अब हम खड़े हैं लखपति दीदी रिमी SSG जो वेस्ट बंगाल से हैं ये भी, और इनके स्टॉल पे खड़े हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या, इनका क्या अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है स्टॉल लगा के यहाँ पे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मीता सरकार है, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। वेस्ट बंगाल का नॉर्थ चौबीस परगना में हमारा बाड़ी है। वहाँ पर जो हम लोग, मैं एक SSG मेंबर हूँ, मेरे साथ और भी दीदी है जो ये हाथ की कढ़ाई करते हैं, हम उनका सेल करते हैं। तो हम जब वहाँ रहते हैं हम भी ये काम करते हैं। तो हम 10-12 साल से ये काम में जुड़े हुए हैं, हाथ की कढ़ाई के काम में। और मेरे जो दीदी रहे, हम चाहते हैं कि हम अगर ज़्यादा सेल कर सकते हैं तो उनको भी हो जाता है कमाई, क्योंकि वो लोग घर में बैठ के काम करते हैं, हम इधर आके सेल करते हैं। ये सारे चीज़ देख रहे हैं, हमसे सब हैंडमेड है, हम लोग ये हाथ की कढ़ाई घर में बैठ के करते हैं। और दीदी लोग सारे सूट कुर्ती पीस है, साड़ी भी है ये सारे। और ये देखिए, ये सब सारे हैं, और ये हैंडमेड ज्वेलरी है, ये जूट की बनाई हुई है। को भी दिखाएं किस तरह से सेट है, और ये सिर्फ कानों का ही है। और इसको बनाने में आप लोगों को कितना समय लगता है? ये समय, अगर एक काम करते हो हम लोग एक ही साथ, एक काम नहीं होता है, वो पार्ट पर जुड़ा हुआ है। एक लाइन पहले कर लेती हूँ फिर दूसरे टाइप का करती हूँ, वो दो तीन महिला बैठे रहते हैं, फिर एक डिज़ाइन एक वो करते हैं, एक उसकर लगाता है, वो एक स्टाइल माने जो हमारा डिज़ाइन है वो चिपकाता है। अलग अलग पार्ट पर करती हूँ तो जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर कोई अकेला आदमी ये करने के लिए जाए तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। और अभी मतलब कितने साल हो गए आपको यहाँ पे सरस मेला में अपना ये स्टॉल लगाया? सरस मेला में तो मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन प्रगति मैदान में किया हुआ है। अगर मुंबई में भी महालक्ष्मी में 2 बार गई हूँ। अलग अलग मेला में अलग अलग मज़ा लगता है। यह पर भी सेल ठीक ठाक ही है, 2 दिन मतलब ठीक से नहीं हुआ, अगर बाकी दिन सब सेल ठीक ही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फटकती है, बहुत क्या बार्गेनिंग करते हैं, जैसे कि मानो कि हमारा चीज़ जो है ना, ये कढ़ाई की वो वैल्यू नहीं देते। जैसे बोलता है कि ये 600-500 में मिल जाता है, लेकिन काम अलग होता है, उसका प्राइस अलग होता है। रेडीमेड कुर्ते का आप ले सकते हैं, लेकिन इसका काम के एक थोड़ा बहुत लग जाता है, तो ज़्यादा नहीं, 200-300 एक्स्ट्रा होता है। और जैसे कि आप ये जब बाज़ार में बेचते हैं और यहाँ पे जब आपने स्टॉल लगाया, तो आपको कितना फ़र्क नज़र आया दोनों में? फर्क वही बोल रही हूँ, जो ऐसे ही उन्होंने डिमांड है, जो एक्चुअली बोल रहे हैं कि मेले में आए हो तो ज़्यादा माने दाम लगा कर बोल रहे हो, लेकिन हमारा जो कलकत्ता में जो रेट में है यहाँ पर सेम ही रेट हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिमी जी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी चीज़ों के बारे में भी जान के बहुत अच्छा लगा। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।